हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन। टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 10 मार्च के वोकैब। ठीक है, तो ये जो वोकैब सेशन है वो आप 10 मार्च का आज आप देख रहे हो, और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। मैं डेली आपको वोकैब सेशन प्रोवाइड कराती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एरर डिटेक्शन की वीडियोज़ देखनी है एंड वोकैब की और भी वीडियोज़ देखनी है, इसके अलावा अगर आपको इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वो सभी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एरर डिटेक्शन को सॉल्व करना होता है, और क्लोज टेस्ट को, फिलर्स को, इन सभी की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको एक अप्रोच पता चलेगी कि इस तरह से उन्हें सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, चाहे तो आप उन्हें मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऊपर एक आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट वोकैब है ईगरनेस। ईगरनेस का मतलब होता है एंथुसियाज्म, यानी कि उत्सुकता। ठीक है, यानी कि क्या होना, किसी पर्सन के अंदर एंथुसियाज्म होना। एंथुसियाज्म का मतलब आप जानते होंगे कि एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्सुकता होना, उसको बोलते हैं ईगरनेस। ठीक है, सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, लॉन्गिंग एंड यर्निंग। लॉन्गिंग एंड यर्निंग आर द सिनोनिम्स ऑफ ईगरनेस, एंड एंटोनिम्स आर एपैथी एंड रिलक्टेंस। सो एपैथी एंड रिलक्टेंस क्या होते हैं, इसके एंटोनिम्स होते हैं। अब यहाँ पर एंथुसियाज्म की बात हो रही है, उत्सुकता की बात हो रही है, तो एपैथी एंड रिलक्टेंस में उत्सुकता नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये दोनों किसके क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, एपैथी एंड रिलक्टेंस। और ईगरनेस के सिनोनिम्स क्या क्या हैं, एंथुसियाज्म, लॉन्गिंग एंड यर्निंग। क्या होता है, एंथुसियाज्म, लॉन्गिंग एंड यर्निंग। ठीक है, तो लॉन्गिंग माने भी उत्सुकता होता है, यर्निंग माने भी उत्सुकता होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ईगरनेस, एंथुसियाज्म एंड लॉन्गिंग एंड यर्निंग, इन सभी को ध्यान रखिएगा। इनका मतलब होता है उत्सुकता। एपैथी एंड रिलक्टेंस का मतलब उत्सुकता नहीं होता है, इसलिए ये दोनों इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो देखिए, ईगरनेस क्या है, ईगरनेस एक नाउन है। क्या है, नाउन है। सो एज अ नाउन वी हैव टू यूज दिस इन द एग्जाम्पल सेंटेंस। सो लेट्स सी द यूजेस। हिज ईगरनेस फॉर फेम कैन बी सीन इन हिज एक्शंस। हिज ईगरनेस, नाउ यू कैन सी ईगरनेस यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, हिज के बाद में, तो हिज, हर, इन सब के बाद में जो यूज़ होता है वो नाउन होता है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एज अ नाउन हमने यूज़ किया है ईगरनेस को। ठीक है, सो आई होप आपने जो यूजेस है एग्जाम्पल सेंटेंस में वो आपको समझ में आ गया होगा। हिज ईगरनेस फॉर फेम कैन बी सीन इन हिज एक्शंस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। सो नेक्स्ट वर्ड इज आर्ड्यूस। आर्ड्यूस का मतलब होता है डिफिकल्ट, यानी कठिन। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना हिंदी में डिफिकल्ट, मतलब इंग्लिश में डिफिकल्ट बोलते हो, हिंदी में कठिन बोलते हो, तो अब आप डिफिकल्ट का एक और वर्ड जान लीजिए, वो क्या होता है, आर्डियस होता है। अब अगर आपको अब डेली यूज़ में कभी भी डिफ़िकल्ट वर्ड को यूज़ करना है तो आप डिफ़िकल्ट को अभी मत यूज़ करना, आप आर्डियस को यूज़ करना। क्योंकि अगर आप न्यू वर्ड्स को यूज़ करोगे, पुराने वर्ड्स की जगह अगर आप न्यू वर्ड्स को यूज़ करोगे तो उसकी वोकैब जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सो आर्डियस का मतलब होता है कठिन, और डिफ़िकल्ट का मतलब भी कठिन होता है। ठीक है, लेकिन आर्डियस का मतलब भी कठिन होता है। सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, ऑनरस एंड अपहिल। ऑनरस एंड अपहिल ये भी इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, ऑनरस एंड अपहिल, ये दोनों क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, आप देखो कोई चीज़ कठिन हो, लेकिन अगर कठिन का ये अपोजिट क्या हो जाएगा, एफर्टलेस होना। ठीक है, प्लीजेंट होना, तो ये क्या हो जाएंगे, इस दोनों इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एफर्टलेस एंड प्लीजेंट आर दी एंटोनिम्स ऑफ आर्डियस। ठीक है, एफर्टलेस एंड प्लीजेंट आर दी एंटोनिम्स ऑफ आर्डियस। आर्डियस मीनिंग इज डिफिकल्ट एंड सिनोनिम्स आर ऑनरस एंड अपहिल। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो देखिए, आर्डियस है एक एडजेक्टिव है। सो एज एन एडजेक्टिव वी हैव टू यूज दिस इन द एग्जाम्पल सेंटेंस। नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल सेंटेंस। द आर्डियस टास्क वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम। टास्क इज अ नाउन हियर एंड आर्डियस यूज एज एन एडजेक्टिव फॉर टास्क, दैट्स वाई वी यूज आर्डियस एज एन एडजेक्टिव हियर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो आर्डियस यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, वो आपको समझ में आ गया होगा। आर्डियस मीनिंग इज डिफिकल्ट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंटोनिम्स आर ऑनरस एंड अपहिल, एंटोनिम्स आर एफर्टलेस एंड प्लीजेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है उन्मादी। उन्मादी मतलब एन ओवर एंथुसियास्टिक पर्सन, यानी कि कोई पर्सन जिसको हमने अभी पीछे पढ़ा था, एंथुसियास्टिक का मतलब पढ़ा था ना। ठीक है, एंथुसियास्टिक का मतलब हमने पीछे पढ़ा था कैसा होना, एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साही होना। ठीक है, उत्सुकता होना, क्या होना, एंथुसियाज्म मतलब उत्सुकता, एंथुसियास्टिक मतलब वही उन्मादी होना। ठीक, ओवर एंथुसियास्टिक होना, अगर कोई पर्सन ओवर एंथुसियास्टिक है तो वो उसे उन्मादी कहते हैं, फेनाटिक कहते हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, बिगोट एंड रेडिकल। क्या हो जाएंगे, बिगोट एंड रेडिकल आर दी सिनोनिम्स ऑफ फेनाटिक। ठीक है, बिगोट एंड रेडिकल। फेनेटिक का मतलब मैं आपको एक और हिंदी में वर्ड बताती हूँ, जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड कट्टरपंथी, जो कट्टरपंथी वर्ड है, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फेनेटिक। तो अगर आपने हिंदी में कट्टरपंथी वर्ड सुना है, कट्टरपंथी वर्ड अगर आपने हिंदी में सुना है, तो फिर
इंग्लिश में उसको फेनेटिक बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। सो फेनेटिक मीन्स कट्टरपंथी, यानी कि एन ओवर एंथुसियास्टिक पर्सन। ओके, सिनोनिम्स आर बाइगोट एंड रेडिकल, इसका मतलब भी वही होता है कट्टरपंथी। सो बाइगोट एंड रेडिकल बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? लिबरल एंड मॉडरेट। लिबरल एंड मॉडरेट, लिबरल वो होते हैं जो कट्टरपंथी नहीं होते, मॉडरेट वो होते हैं जो कट्टरपंथी नहीं होते। ठीक है, सो आई होप आपको ये दोनों वर्ड्स की मीनिंग समझ में आ गए होंगे। और आपको सिनोनिम्स याद रखने हैं बाइगोट एंड रेडिकल। फेनेटिक यानी कि बाइगोट हो गया, रेडिकल हो गया, फेनेटिक हो गया, इन सभी का मीनिंग एक जैसा होता है। ठीक है, क्या होता है? कट्टरपंथी होना। ठीक है, सो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि एन ओवर एंथुसियास्टिक पर्सन। ओके, हिंदी में क्या बोल सकते हैं? उन्मादी। ठीक है, कट्टरपंथी भी बोल सकते हो। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करना है। एज यू कैन सी दैट फेनेटिक इज अ नाउन, सो एज अ नाउन वी हैव टू यूज दिस इन द एग्जाम्पल सेंटेंस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स सी द यूजेस। द फेनेटिक्स आर डिसलाइक्ड बाय एवरीवन। क्या लिखा है? द फेनेटिक्स आर डिसलाइक्ड बाय एवरीवन। नाउ यू कैन सी फेनेटिक्स यूज हेयर आफ्टर द इज एन आर्टिकल एंड आफ्टर आर्टिकल वी यूज नाउन। राइट, आफ्टर आर्टिकल वी यूज नाउन, दैट्स वाई फेनेटिक्स यूज हेयर एज अ नाउन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फेनेटिक मीनिंग इज एन ओवर द एंथुसियास्टिक पर्सन। सिनोनिम्स आर बाइगोट एंड रेडिकल। एंटोनिम्स आर लिबरल एंड मॉडरेट। एंड द एग्जाम्पल सेंटेंस इज द फेनेटिक्स आर डिसलाइक्ड बाय एवरीवन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फेनेटिक्स यूज हेयर आफ्टर द एंड द इज एन आर्टिकल एंड आफ्टर आर्टिकल वी यूज नाउन, दैट्स वाई फेनेटिक्स यूज हेयर एज अ नाउन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट वर्ड। सो द नेक्स्ट वर्ड इज पिनाकल। पिनाकल मीनिंग इज परमोत्कर्ष। हिंदी में बोलते हैं परमोत्कर्ष, यानी कि टॉप। यानी कि एक तरह से परमोत्कर्ष का मतलब होता है एक तरह किसी का टॉप पर होना। ठीक है, किसी का टॉप पर होना उसको बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? एपेक्स एंड जेनिथ। क्या हो जाएगा? एपेक्स एंड जेनिथ, दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ पिनाकल। ओके, पिनाकल मीनिंग इज टॉप एंड परमोत्कर्ष। एंटोनिम्स आर नादिर एंड बेस। एंटोनिम्स आर नादिर एंड बेस, जिसमें आपको एक और मीनिंग बताती हूँ पिनाकल का। जैसे कि आपने कोई भी किला देखा होगा या फिर कोई टेम्पल देखा होगा, तो टेम्पल का या किले का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है, जो इसे हम हिंदी में चोटी भी बोलते हैं, तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं टॉप। ठीक है, और उसी को कहते हैं पिनाकल। ओके, यानी कि जो शिखर होता है ना, शिखर, उसको बोलते हैं पिनाकल। आपने हिंदी में शिखर सुना होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि पिनाकल किसको बोलते हैं? एक तरह से शिखर को बोलते हैं, जो सबसे ऊंचे का जो पार्ट होता है किसी भी बिल्डिंग का, उसको बोलते हैं पिनाकल। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग का जो सबसे ऊंचा पार्ट होता है उसे बोला जाता है पिनाकल। ओके, इस तरह से आपको समझ में आया होगा। यानी कि किसी भी रॉक का, एक तरह से को मान लो कोई रॉक है, उसका जो सबसे ऊपर का जो पॉइंटेड पीस है, ठीक है, जो सबसे हाई पॉइंटेड पीस है रॉक का, उसको बोलेंगे पिनाकल। ओके, एंड दिस सिनोनिम्स आर एपेक्स एंड जेनिथ। तो एपेक्स एंड जेनिथ दोनों का मीनिंग सेम वही होता है जो पिनाकल का होता है, इसलिए ये दोनों क्या है? सिनोनिम्स है, एपेक्स एंड जेनिथ। एंटोनिम्स आर नादिर एंड बेस। नादिर एंड बेस का मतलब होता है कि नादिर यानी कि कोई चीज़ नीचे होना, पतन होना, पतन मतलब नीचे होना। ठीक है, तो नीचे होने वाली कोई चीज़ जो है कैसी होगी? पतन होना यानी कि सबसे नीचे होना। एक तरफ आप टॉप की बात कर रहे हो, एक तरफ डाउन की बात कर रहे हो, इसलिए ये दोनों इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नादिर एंड बेस आर दी एंटोनिम्स ऑफ पिनाकल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस के। एग्जाम्पल सेंटेंस में इसका किस तरीके से यूज़ किया गया है। तो नादिर का मतलब मैं आपको एक और बता देती हूँ। इसका मतलब होता है डाउनग्रेड होना। ठीक है, डाउनग्रेड आप जानते हो, डाउनग्रेड होना एक तरह से, और डेक्लाइन होना, ठीक है, रिलैप्स होना, ओके, डिबेसमेंट होना, यानी कि एकदम कम होना, नीचे आना एक तरह से, उसको बोलते हैं, उसको बोलते, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे पिनाकल के, क्योंकि पिनाकल का मतलब होता है सबसे ऊपर, टॉप पर होना। ठीक है, अच्छा, तो इसके एपेक्स और जेनिथ सिनोनिम्स होते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नादिर एंड बेस इसके एंटोनिम्स होते हैं। एग्जांपल सेंटेंस में देखते हैं इसका किस तरीके से यूज़ करना है। नाउ एज यू कैन सी दैट पिनाकल इज अ नाउन। इफ पिनाकल इज अ नाउन, देन एज अ नाउन वी हैव टू यूज दिस इन द एग्जांपल सेंटेंस, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दिस एज अ नाउन इन द एग्जांपल सेंटेंस। सो यू कैन सी they reached the pinnacle of their career honestly. Now you can see pinnacle used here after the, and the is an article, so after article we use noun, after article we use noun, that's why pinnacle used here as a noun. Okay, so they reached the pinnacle of their career honestly. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि पिनाकल हमें नाउन की तरह कैसे यूज़ करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। द मीनिंग ऑफ पिनाकल इज टॉप। सिनोनिम्स आर एपेक्स एंड जेनिथ। एंटोनिम्स आर नादिर एंड बेस। एग्जाम्पल सेंटेंस आपने देख ही लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। सो द नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट मीनिंग इज डिसएडवांटेज। ओके, डिसएडवांटेज यानी कि अहित होना, किसी का बुरा होना, यानी कि अच्छा ना होना, उसको बोलते हैं डेट्रीमेंट। सिनोनिम्स आर लायबिलिटी एंड ड्रॉबैक। सिनोनिम्स क्या है? लायबिलिटी एंड ड्रॉबैक। अब देखो इस मीनिंग को अच्छे से समझ लो। डिसएडवांटेज आपने बहुत बार सुना होगा। डिसएडवांटेज मान देखो एडवांटेज ना मिलना, यानी कि कुछ अच्छा ना होना, ठीक है, या फिर जैसे हमारा कोई काम है जिसका हमें डिसएडवांटेज हुआ, यानी कि एडवांटेज मिलना चाहिए था लेकिन डिसएडवांटेज हुआ, यानी कि अच्छा होना चाहिए था बुरा हुआ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेट्रीमेंट।
सिनोनिम्स क्या होते हैं? लायबिलिटी एंड ड्रॉबैक. क्या होते हैं? लायबिलिटी एंड ड्रॉबैक, दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ डेट्रीमेंट. एंटोनिम्स आर बून एंड गेन. बून का मतलब क्या होता है? वरदान. गेन का मतलब प्रॉफिट. ठीक है, तो बून एंड गेन, क्योंकि ये दोनों इसके अपोजिट हैं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गए और ये नेगेटिव हो गए. जब ये दोनों अपोजिट हैं तो इसलिए इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. सो बून एंड गेन आर दी एंटोनिम्स ऑफ डेट्रीमेंट. डेट्रीमेंट मीनिंग इज डिसएडवांटेज एंड दी सिनोनिम्स आर लायबिलिटी एंड ड्रॉबैक एंड दी एंटोनिम्स आर बून एंड गेन. लेट्स सी द यूजेस. फ्रेंड्स, डेट्रीमेंट इज अ नाउन, सो एज अ नाउन वी हैव टू यूज दिस इन द एग्जाम्पल सेंटेंस. नाउ एज यू कैन सी, दे फेस्ड मैनी डेट्रीमेंट्स वाइल अचीविंग देअर गोल. एज यू कैन सी, डेट्रीमेंट्स यूज हेयर आफ्टर मैनी. ठीक है, सो मच मैनी हुआ. मैनी के बाद जब भी कोई भी आता है तो वो क्या होता है? नाउन होता है. मैनी के बाद जब भी हम लगाते हैं कुछ भी तो वो नाउन होता है. सो डेट्रीमेंट्स यूज हेयर एज अ नाउन. ठीक है, आफ्टर मैनी, after many we use noun, so that's why detriments used here as a noun. Okay, I hope this is clear. So they faced many detriments while achieving their गोल, यानी कि अपना गोल अचीव करने के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे डेट्रीमेंट्स को फेस किया, यानी कि बहुत सारे उन्होंने डिसएडवांटेजेस को फेस किया. यानी कि वाइल अचीविंग देयर गोल दे फेस्ड मैनी डेट्रीमेंट्स. ठीक है, सो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट वर्ड. सो द नेक्स्ट वर्ड इज जेस्ट. द मीनिंग ऑफ जेस्ट इज स्पाइसिंग. स्वाद, स्वाद आपने सुना होगा हिंदी में. स्वाद जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? स्पाइसिंग. यानी कि जो जेस्ट है उसी को स्पाइसिंग बोलते हैं. सिनोनिम्स देख लेते हैं. सीजनिंग एंड फ्लेवरिंग. जैसे कि आपने कोई डिश बनाई है, डिश के ऊपर से जब आप काजू बादाम को सजा कर रखते हो, ठीक है, या फिर उसके कुछ सीजनिंग आप लाइक ऊपर से मिर्च डाल के कर सकते हो, या फिर धनिया पत्ती डाल के, या फिर कुछ भी डाल के सीजनिंग उसकी करते हो, या फिर ऊपर से आप कोई फ्लेवर डालते हो, तो उसको बोलते हैं सीजनिंग करना, फ्लेवरिंग करना. ठीक है, और उसी को बोलते हैं क्या? स्पाइसिंग. ठीक है, इंग्लिश में फिर एक और वर्ड क्या है इसके लिए? जेस्ट. क्या है? जेस्ट. सो जेस्ट का मतलब होता है हिंदी में स्वाद. ठीक है, और इंग्लिश में आप किस तरीके से समझोगे? सीजनिंग हो गया, फ्लेवरिंग हो गया, उसको बोलते हैं जेस्ट, और हिंदी में बोलते हैं स्वाद. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ व्हाट आर द एंटोनिम्स? इनडिफरेंस एंड लिथार्जी. दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ जेस्ट. इनडिफरेंस एंड लिथार्जी, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ जेस्ट. ये आप ध्यान रखिएगा, इनडिफरेंस एंड लिथार्जी को. एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं इसका किस तरीके से यूज करना है. नाउ एज यू कैन सी दैट जेस्ट इज अ नाउन. इफ जेस्ट इज अ नाउन, सो एज नाउन वी हैव टू यूज दिस इन द एग्जाम्पल सेंटेंस. नाउ अ बिट ऑफ जेस्ट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ. अ बिट ऑफ, नाउ अ बिट ऑफ, अ नंबर ऑफ, इन सभी के बाद नाउन का यूज किया जाता है. सो दैट्स वाई जेस्ट यूज है एज अ नाउन. अ बिट ऑफ जेस्ट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, यानी कि अ बिट ऑफ सीजनिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ. अ बिट ऑफ फ्लेवरिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट? वी कैन से दैट अ बिट ऑफ सीजनिंग, अ बिट ऑफ फ्लेवरिंग. ठीक है, सो इस तरीके से हम इन दोनों वर्ड्स का भी इस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं जेस्ट की जगह पर. क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि जेस्ट और सीजनिंग और फ्लेवरिंग ये सभी क्या होते हैं? एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं. ओके, इंडिफरेंस का मीनिंग होता है फ्रेंड्स उदासीनता. क्या होता है? उदासीनता, जो हिंदी में बोलते हैं ना उदासीन, यानी कि सैड. ठीक है, द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस इन इंग्लिश सैड एंड इन हिंदी उदासीनता. एंड लिथार्जी का मीनिंग होता है जो आलसी होते हैं, सुस्ती जो होती है उसको बोलते हैं लिथार्जी. ठीक है, यानी कि आलसीपन होना, सुस्ती होना, उसको बोलते हैं लिथार्जी. एंड सैडनेस होना, उसको बोलते हैं इनडिफरेंस. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आपको सारे मीनिंग समझ में आ गए होंगे. सो जेस्ट का मतलब होता है सीजनिंग एंड फ्लेवरिंग. एंड एंटोनिम्स आर इनडिफरेंस एंड लिथार्जी. एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस, अ बिट ऑफ जेस्ट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. सो द नेक्स्ट वर्ड इज वेवर्ड. वेवर्ड मीनिंग इज कॉन्ट्रैरी. कॉन्ट्रैरी मतलब क्या होना? किसी चीज़ का कॉन्ट्रैरी होने का मतलब है कि किसी चीज़ का क्या होना? एकदम कॉन्ट्रैरी होना, यानी कि एक दूसरे से अपोजिट होना. ओके, सो फ्रेंड्स वेवर्ड का मीनिंग और अच्छे से समझ लीजिए. वेवर्ड का मीनिंग होता है क्या? मतलब कॉन्ट्रेरी मैंने आपको बताया था, और कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? विरोधी. अब वेवर्ड का मीनिंग होता है मनमौजी. ठीक है, मनमौजी यानी कि स्वेच्छाचारी, जो मतलब अपने मन से चलता हो. ठीक है, यानी कि किसी की बात ना माने, उसको बोलते हैं मनमौजी. एंड जो कॉन्ट्रेरी होता है, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरोधी. अब जो मनमौजी होगा वो विरोधी भी हो जाएगा, राइट? वो विरोधी होगा. विरोधी किस तरह से? किसी की बात ना मानना, विरोध करना, उसको बोलते हैं विरोधी. तो इसलिए वेवर्ड का जो
मीनिंग है हम कॉन्ट्ररी कह सकते हैं, इसके अलावा हिंदी में क्या कह सकते हैं, स्वेच्छाचारी होना या फिर मनमौजी होना, राइट। एंड सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं इसके, डेलिनक्वेंट, डेलिनक्वेंट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि डेलिनक्वेंट का मतलब अपराधी यानी कि दोष करने वाला। अब अपराध जो मनमौजी होगा वो दोष भी करेगा, राइट, इसलिए इसके सिनोनिम हो जाएंगे डेलिनक्वेंट। और मनमौजी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, वे वर्ड क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, डेलिनक्वेंट भी एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये दोनों इसके एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। कैप्रीशियस का मीनिंग मैंने आपको बताया था, कैप्रीशियस का मीनिंग होता है क्या होना कि मनमौजी होना, ठीक है, जैसे वेवार का मीनिंग होता है मनमौजी होना, सेम कैप्रीशियस का मतलब भी होता है मनमौजी होना, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, सभी के मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। एंटोनिम्स देखिए क्या होते हैं, कंप्लेंट एंड ऑबिडेंट, क्या होता है, कंप्लेंट एंड ऑबिडेंट, ये दोनों क्या होते हैं इसके एंटोनिम होते हैं। कंप्लेंट मतलब शिकायत करना, यानी कि मनमौजी के खिलाफ एक तरह से शिकायत करना, तो उसको एकदम एंटोनिम्स हो गया उसका, राइट। एंड ऑबिडेंट का मतलब क्या होता है, ऑबिडेंट का होता है आज्ञाकारी, तो मनमौजी का बिल्कुल अपोजिट हो गया आज्ञाकारी, राइट। सो दैट्स व्हाई दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ वेवर्ड, एंड वेवर्ड इज एन एडजेक्टिव, सो एज एन एडजेक्टिव वी हैव टू यूज दिस इन द एग्जांपल सेंटेंस। सो लेट्स सी द यूजेस, द वेवर्ड पॉइंट्स इन द केस मेड हिम लॉस इट, पॉइंट्स आप देख सकते हो, पॉइंट्स क्या है, नाउन है, इफ पॉइंट्स आर नाउन देन, इफ पॉइंट्स इज अ नाउन देन वेवर्ड इज एन एडजेक्टिव, बिकॉज वेवर्ड यूज हियर एज एन एडजेक्टिव फॉर नाउन, पॉइंट्स, पॉइंट्स इज अ नाउन, ठीक है। सो वेवर्ड जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स के लिए यूज़ हुआ है जो कि एक नाउन है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमें वेवर्ड का यूज़ सेंटेंस में करना है, एज एन एडजेक्टिव इसका यूज़ सेंटेंस में किया जाता है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। बिफोर दिस मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वेवर्ड मीनिंग इज कॉन्ट्रेरी, सिनोनिम्स आर डेलिंक्वेंट एंड कैप्रीशियस, एंटोनिम्स आर कंप्लेंट एंड ऑबिडेंट, एंड एग्जाम्पल सेंटेंस हमने देख लिया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। सो द नेक्स्ट वर्ड इज गेप, गेप का मतलब होता है स्टेयर यानी कि मुंह बाएं देखना, यानी कि क्या करना, स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना किसी तरह से एक किसी को। सो गेप का मीनिंग एक और होता है फ्रेंड्स, गेप का मीनिंग होता है जमाई लेना, जब हम जमाई लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं गेप, क्या बोलते हैं, गेप, ठीक है। जमाई लेने को क्या बोलते हैं, गेप बोलते हैं, यानी कि उसको यौन भी बोलते हैं, आपने सुना होगा वाई ए डब्ल्यू एन, ठीक है, तो वाई ए डब्ल्यू एन यानी कि यौन, यौन भी बोलते हैं कि इसको जमाई लेने को। सो यौन हो गया, गेप हो गया, एंड ऑगल हो गया, ऑगल का मतलब ये होता है जमाई लेना, ठीक है, यानी कि यौन करना। एंड इसका जो स्टेयर का मतलब होता है ताकना, यानी कि गेप का मतलब ताकना भी होता है, किसी को घूरना, उसको बोलते हैं गेप एंड स्टेयर, ओके। एंड ग्लेयर का मतलब होता है चमकना, ग्लेयर का मतलब क्या होता है, चमकना, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं। एंटोनिम्स आर इग्नोर एंड ओवरलुक, एंटोनिम्स आर इग्नोर एंड ओवरलुक, यानी कि किसी को इग्नोर करना, ओवरलुक करना। अब एक तरह से किसी को घूरा जा रहा है तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इग्नोर करना, ओवरलुक करना, यानी कि ना देखना किसी को, इग्नोर करना, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि इस तरह से इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी द यूजेस इन द एग्जाम्पल सेंटेंस, यू कैन सी दैट गेप इज अ वर्ब, सो एज अ वर्ब, ये एज अ वर्ब वी हैव टू यूज दिस इन द एग्जाम्पल सेंटेंस। मैनी पीपल गेप इन एंगर, मैनी पीपल गेप इन एंगर, यानी कि मैनी पीपल एंगर में यानी गुस्से में क्या करते हैं, गेप करते हैं, गेप माने जमाई लेते हैं, ठीक है, यौन करते हैं, ठीक है। मैनी पीपल गुस्से में क्या करते हैं, यौन करते हैं, यौन मतलब वाई ए डब्ल्यू एन, ये यौन का मतलब होता है जमाई लेना, ठीक है, और गेप का मतलब भी जमाई लेना होता है। सो मैनी पीपल क्या करते हैं, एंगर में जमाई लेते हैं, यानी कि गेप करते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ मैनी पीपल गेप इन एंगर। नाउ एज यू कैन सी पीपल इज अ नाउन, यानी कि यहाँ पे पीपल क्या सब्जेक्ट है, एंड गेप यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है, गेप यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ओके। सो सब्जेक्ट की बात क्या हो रहा है, गेप एज अ वर्ब यूज हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमें एग्जाम्पल सेंटेंस में गेप का यूज करना है, वो आपने समझ लिया होगा। एज अ वर्ब इसका यूज किया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सो द मीनिंग ऑफ गेप इज स्टेयर, यानी कि ताकना, या फिर यौन भी बोल सकते हैं, वाई ए डब्ल्यू एन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड द सिनोनिम्स आर, मैंने आपको सिनोनिम्स बताया इसके क्या होते हैं, ग्लेयर एंड ऑगल, क्या होता है, ग्लेयर एंड ऑगल, ठीक है। ग्लेयर का मतलब क्या होता है, चमकना, एंड ऑगल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है झामाई लेना, ठीक है। एंड ग्लेयर का मतलब जो है, ग्लेयर का मतलब एक और होता है, ग्लेयर का मतलब क्या होता है, एक और, कि इसी के सेंस में होता है, जैसे कि अगर हम बोले स्टेयर इन एन एंग्री और फायर्स वे, यानी कि एंग्री यानी गुस्से वाले, जब किसी को गुस्सा आता है तो वो गुस्सा होता है तो क्या करता है, किसी को घूरता है, ठीक है, किसी गुस्से में किसी को घूरना, उसको बोलते हैं, उसको भी ग्लेयर बोलते हैं, ठीक है, गुस्से में किसी को घूरने को भी ग्लेयर बोलते हैं, इसलिए ये इसका क्या है, सिनोनिम्स है। आप कहोगे चमकना होता है ग्लेयर का मीनिंग, तो इसका सिनोनिम्स कैसे हो गया, तो फ्रेंड्स ग्लेयर का मीनिंग एक और होता है, वो क्या होता है, स्टेयर इन एन एंग्री और फायर्स वे, यानी कि किसी को गुस्से में घूरना, उसको बोलते हैं ग्लेयर, ओके। आई होप दिस इज क्लियर यू। एंटोनिम्स क्या होते हैं, इग्नोर एंड ओवरलुक, ये मैंने आपको बताया था, द एंटोनिम्स आर इग्नोर एंड ओवरलुक। एग्जाम्पल सेंटेंस आपने देख लिया किस तरीके से इसका यूज करना है। सो गेप का मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। सो द नेक्स्ट वर्ड इज पाइन, पाइन का मतलब होता है लॉन्ग फॉर, यानी कि ललायत होना, यानी कि क्या करना, क्रेव करना किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, एक तरह से चाहत रखना किसी चीज़ को पाने के लिए, क्रेव करना उसको पाने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं पाइन, क्या बोलते हैं, पाइन।
सो पाइन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स कि लॉन्ग फॉर यानी कि लालायित होना। लॉन्ग फॉर यानी कि लालायित होना का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पाने की क्या रखना, इच्छा रखना, यानी किसी चीज़ को पाने की क्या रखना, इच्छा रखना। फील अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर टू डू समथिंग, यानी कि किसी फील करना एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को किसी चीज़ को करने के लिए या किसी चीज़ को पाने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं पाइन। ठीक है, अच्छा पाइन का मतलब मैंने आपको एक और बताया था कि पाइन का मतलब होता है चीड़ का पेड़ जो होता है, देवदार का पेड़ आपने सुना होगा, जो चीड़ का पेड़ जो देवदार का पेड़ होता है उसको भी हम पाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सिनोनिम्स क्या होते हैं, क्रेव एंड हैंकर। ठीक है, तो हैंकर का मीनिंग तो सेम वही होता है जो मैंने पाइन के लिए बताया था, यानी कि फील अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, राइट, उसको बोलते हैं हैंकर। एंड क्रेव का मतलब वो होता है लालायित होना, यानी कि किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखना, उसको बोलते हैं क्रेव, यानी कि वही हो गया स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट समथिंग, राइट। सो इस तरह से हम क्रेव का मीनिंग हो गया, क्रेव का मीनिंग हो गया, हैंकर का मीनिंग हो गया, पाइन का मीनिंग हो गया। तो इसके बाद देखते हैं कि इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं, डिसलाइक एंड डिस्पाइस, यानी कि किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो। डिसलाइक करने का मतलब क्या होता है, उसको पसंद ना करना। ठीक है, डिसलाइक करने का मतलब क्या होता है, उसको पसंद ना करना। तो इसलिए डिसलाइक का मीनिंग आप ध्यान में रखिएगा कि डिसलाइक क्या होता है, इसका एंटोनिम्स होता है। इसके अलावा देखते हैं कि डिस्पाइस क्या होता है, डिस्पाइस का मतलब होता है, डिस्पाइस मतलब होता है घृणा करना, यानी कि नफरत करना, एक तरह से तिरस्कार करना, किसी की बुराई करना, निंदा करना, उसको बोलते हैं डिस्पाइस। ठीक है, सो डिस्पाइस भी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरह से हमने देखा कि पाइन जो होता है, पाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखना, एंड यानी कि किसी चीज़ को फील अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट समथिंग, फील अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड पाइन। एंड पाइन का मतलब हिंदी में क्या होता है, लालायित होना। ठीक है, एंड द सिनोनिम्स आर क्रेव एंड हैंकर, एंड द एंटोनिम्स आर डिसलाइक एंड डिस्पाइस। एग्जाम्पल सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करना है देखते हैं। पाइन क्या है, एक वर्ब है, सो एज अ वर्ब वी हैव टू यूज दिस इन द एग्जाम्पल सेंटेंस। दे पाइंड फॉर अ लॉट मनी एंड एंडेड अप इन जेल, दे पाइंड फॉर अ लॉट मनी। ओके, सो पाइंड क्या है, एज अ वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है, क्यों, क्योंकि दे हो गया, देयर हो गया। ठीक है, जैसे दे के बाद आपने देखो ये वर्ब का यूज़ किया गया है और इसमें ईडी लगा के इसको हमने थर्ड फॉर्म में बनाया है। सो एज यू कैन सी दैट पाइंड यूज एज अ वर्ब। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि पाइन का यूज़ हमें एग्जाम्पल सेंटेंस में वर्ब की तरह करना होता है। मेन चीज़ आपको इसका जो मीनिंग है वो ध्यान रखना है कि पाइन की मीनिंग दो होते हैं, एक तो चीड़ का पेड़ होता है, जो चीड़ का पेड़ आपने सुना होगा और देवदार का सुना होगा, सो पाइन का मतलब वो होता है, और दूसरा मीनिंग क्या होता है, लालायित होना, यानी कि फील अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग या फिर फील अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट समथिंग। ओके, इस तरह से इसकी मीनिंग होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। सो द नेक्स्ट वर्ड इज मफल्ड। मफल्ड का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, क्वाइटन। क्या होता है, क्वाइटन होना, यानी कि क्वाइटन का मीनिंग समझ लीजिए क्या होता है, अवरुद्ध होना किसी चीज़ का, अवरुद्ध यानी कि रुक जाना। ठीक है, अवरुद्ध का मतलब क्या होता है, एक तरह से रुकावट होता है, उसको बोलते हैं क्वाइटन। ठीक है, सो मफल्ड का मतलब होता है एक तरह की रुकावट। एंड सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके, साइलेंस्ड एंड सबड्यूड, यानी कि साइलेंस होना, ठीक है, यानी कि रुकावट ना होना, साइलेंस होना, ठीक है, रुकावट होना यानी कि एक तरह से मान लो ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में सभी लोग हैं और उनके बोलने पर रुकावट लगा दी, तो क्या हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा। ठीक है, सब्ड्यूड भी इसका वही मीनिंग होता है, सब्ड्यूड करना यानी कि एक तरह से अवरुद्ध कर देना, यानी कि रोक देना। ठीक है, सब्ड्यूड का मतलब क्या होता है, रुकावट डालना यानी कि रोक देना, सब्ड्यूड हो गया, एंड साइलेंस्ड हो गया, क्वाइटेंट हो गया। मफल्ड का मीनिंग आपको ध्यान रखना क्या होता है, अवरुद्ध करना यानी कि रोकना। ओके, तो इस तरह से आपको मफल्ड का मीनिंग याद रखना है। इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, एनकरेज्ड एंड प्रमोटेड, एनकरेज्ड एंड प्रमोटेड आर दी एंटोनिम्स ऑफ मफल्ड। क्योंकि एनकरेज का मतलब क्या होता है, किसी को एनकरेज करना आगे बढ़ने के लिए, प्रमोटेड करना किसी को, तो उसको बोलते हैं आगे बढ़ाने के सेंस में, इसलिए ये पॉजिटिव वर्ड है। और ये क्वाइटेंट है यानी कि अवरुद्ध एक तरह से, और साइलेंस करना, सबड्यूट करना, ये सभी क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। मफल्ड भी नेगेटिव वर्ड है, सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करना है। सो एज यू कैन सी मफल्ड इज एन एडजेक्टिव, सो एज एन एडजेक्टिव वी हैव टू यूज दिस इन द एग्जाम्पल सेंटेंस। सो एज यू कैन सी ही मफल्ड द नॉइज़ विद हिज रोअर, ही मफल्ड द नॉइज। नाउ एज यू कैन सी ही मफल्ड द नॉइज विद हिज रोअर हमने यूज किया है, यानी कि उसने नोज को क्या किया, मफल किया है, यानी कि अब वो नोज कैसी होगी, मफल्ड नॉइज होगी। ठीक है, सो मफल्ड नॉइज होगी, यानी कि मफल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नॉइज क्या हो गया, नाउन हो गया। सो एज एन एडजेक्टिव वी हैव टू यूज इन द एग्जांपल सेंटेंस। सो इस तरीके से हमें इसका यूज करना है। मीनिंग आपको ध्यान रखना है कि मफल्ड का मीनिंग होता है क्वाइटेंट, यानी कि रुकावट डालना एक तरह से। ठीक है, साइलेंस्ड एंड सबड्यूड आर दी सरनेम्स, सिनोनिम्स ऑफ मफल्ड, एंड एंटोनिम्स आर
एनकरेज एंड प्रमोटेड, ठीक है। सो इस तरीके से आपको सारे वर्ड्स को क्या करना है, याद रखना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे सारे वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे इन सभी वर्ड्स का रिविजन, जिससे कि हमारे सारे वर्ड्स याद हो जाए हमें अच्छे से और हम उन्हें कभी भी भूलें ना, ठीक है। तो चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं। इसके बाद आपको टाइम टू टाइम इन सभी वर्ड्स का रिविजन करते रहना है, क्योंकि रिविजन करने से ही हमें सारे वर्ड्स हमेशा के लिए याद रहते हैं, नहीं तो हम भूलते चले जाते हैं, ठीक है। सो ईगरनेस का मतलब होता है एंथुसियाज्म, यानी कि उत्सुकता होना, ठीक है। एंड आर्ड्यूस का मतलब मैंने क्या होता था, कठिन यानी कि डिफिकल्ट होना किसी चीज़ का, यानी कि एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड था फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब मैंने आपको बताया था एंड ओवर एंथुसियास्टिक पर्सन, यानी कि जो कट्टरपंथी होता है, हिंदी में बोलते हैं कट्टरपंथी, तो उनको बोलते हैं क्या, फेनेटिक। एंड ये क्या होता है, नाउन होता है। नेक्स्ट मैंने बताया था पिनेकल, पिनेकल का मतलब मैंने बताया था कि टॉप पर होना किसी चीज़ का, यानी कि मान लो कोई पहाड़ है, पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी होगी, पॉइंटेड जो प्लेस होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, पिनेकल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, पिनेकल बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, नाउन होता है। नेक्स्ट मैंने बताया था डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट का मतलब होता है डिसएडवांटेज, यानी कि किसी चीज़ का क्या करना, डिसएडवांटेज लेना या डिसएडवांटेज होना, उसको बोलते हैं डेट्रीमेंट। क्या बोलते हैं, डेट्रीमेंट। एंड ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है स्पाइसिंग, यानी कि क्या करना, किसी चीज़ में फ्लेवरिंग करना, सीजनिंग करना, उसको बोलते हैं जेस्ट। सो इसको भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ईजी वर्ड है। सो जेस्ट आपको ध्यान रखना है, और ये क्या होता है, नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड था वेवर्ड, वेवर्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रेरी यानी कि स्वेच्छाचारी, यानी कि अपने मन से चलना, अपने मन से सारे कार्य करना, किसी की ना सुनना, उसको बोलते हैं मनमौजी होना। एंड मनमौजी को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेवर्ड, क्या बोलते हैं, वेवर्ड, ठीक है। सो वेवर्ड ये जो वर्ड है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि वेवर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रेरी होना, यानी कि मनमौजी होना, यानी कि स्वेच्छाचारी होना, ठीक है। एंड सिनोनिम्स किससे क्या क्या होते हैं, देखिए डेलिंक्वेंट एंड कैप्रिशियस आर दी सिनोनिम्स ऑफ क्या, वेवर्ड, ठीक है। सो डेलिंक्वेंट एंड कैप्रिशियस क्या है, इसके वेवर्ड के साइनोनिम्स हैं। एंड एंटोनिम्स देखते हैं क्या क्या हो जाते हैं, कंप्लेंट एंड ओबिडेंट, कंप्लेंट एंड ओबिडेंट आर दी एंटोनिम्स ऑफ वेवर्ड। वेवर्ड का जो मेन मीनिंग है आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, स्वेच्छाचारी होना, यानी कि क्या होना, यानी कि अपने मनमौजी होना, ठीक है। सो अगर आप मेन मीनिंग ध्यान रखोगे तो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अपने आप ही याद आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस तरीके से आपको याद रखना है। नाउ एज यू कैन सी, कॉन्ट्रेरी, डेलिंक्वेंट, कैप्रिशियस, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। नेगेटिव वर्ड्स क्यों है ये, क्योंकि यहाँ मनमौजी हो रही है, यानी कि मन की बात, अपने मन से किया जा रहा है काम, ना कि किसी की हेल्प लेके, ना कि किसी की एडवाइस लेके, ठीक है। तो अपने मन से कोई काम करना, उसको बोलते हैं क्या, वेवार्ड करना, यानी कि मनमौजी पर्सन जो होता है उसको बोलते हैं वेवार्ड पर्सन, ठीक है। एंड डेलिंक्वेंट एंड कैप्रिशियस क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो इन सभी वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा। एंड वेवर्ड क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड मैंने बताया था गेप, गेप का मतलब होता है स्टेयर, स्टेयर मतलब क्या होता है, मुंह बाएं देखना, यानी कि मुंह ताकना, किसी को घूरना, उसको बोलते हैं स्टेयर करना, किसी को घूरना, उसको क्या बोलते हैं, स्टेयर करना, ठीक है। सो गेप का मीनिंग ये ध्यान में रखना। एंड ग्लेयर एंड ऑगल क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, गेप क्या होता है, वर्ब होता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना है कि गेप क्या होता है, एक वर्ब होता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड था पाइन, पाइन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग फॉर यानी कि लालायित होना, यानी किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखना, यानी कि फील अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, फील अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू गेट समथिंग, टू डू समथिंग, उसको बोलते हैं पाइन, ठीक है। एंड पाइन का मतलब आपने समझ लिया, पाइन का मतलब एक और भी होता है, जैसे कि आपने चीड़ का पेड़ का नाम सुना होगा, चीड़ का पेड़, या फिर आपने देवदार का पेड़ सुना होगा, तो उसको बोलते हैं क्या, पाइन बोलते हैं, ठीक है। तो पाइन के दो मीनिंग आपने समझ लिए, क्या क्या होता है, एक तो फील अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू गेट समथिंग या टू डू समथिंग, दूसरा वर्ड है चीड़ का पेड़ और देवदार, ये होते हैं पाइन के मीनिंग। एंड सिनोनिम्स आर क्रेव एंड हैंकर, क्रेव एंड हैंकर, क्रेव एंड हैंकर का मतलब वही होता है जो मैंने आपको पहला वर्ड मीनिंग बताया था, पाइन का पहला मीनिंग मैंने क्या बताया था, फील अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट समथिंग, टू डू समथिंग, ये जो मीनिंग होते हैं वही क्रेव और हैंकर की मीनिंग होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या होता है, पाइन क्या है, एक वर्ब है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मफल्ड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मफल्ड का मतलब होता है क्वाइटेंट होना, यानी कि किसी चीज़ में क्या डालना, रुकावट डालना, उसको अवरुद्ध कर देना, उसको बोलते हैं रुकावट डालना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मफल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मफल्ड। एंड सिनोनिम्स क्या होते हैं, साइलेंस्ड एंड सब्ड्यूड, क्या होते हैं, साइलेंस्ड एंड सब्ड्यूड आर दी सिनोनिम्स ऑफ मफल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये क्या होता है, मफल्ड क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, मफल्ड इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे वर्ड्स का रिविजन भी कर लिया है, और सारे वर्ड्स पहले अच्छे से हमने समझे, उसके बाद हमने रिविजन किया। अब आपको टाइम टू टाइम इन सभी वर्ड्स का रिविजन करते रहना है, जिससे आप इन सभी वर्ड्स को कभी भी ना भूलो, और कोई भी एग्जाम आ जाए, चाहे वो बैंक का हो या SSC का हो या फिर किसी भी तरह का एग्जाम हो, आप उन एग्जाम्स में जो भी बुकें आ रही है उसको अच्छे से अटेंड कर सकें, यही इस वीडियो का लक्ष्य है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स एंड
ऑनलाइन चैनल्स को ज्वाइन करना है तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें क्विजेस होती हैं जिन्हें अटेंड करके आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं और PDF आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको सारे वर्ड्स लर्न हो गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको सारे वर्ड्स लर्न हुए हैं नहीं हुए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करेंगे नहीं तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं, इसलिए लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज को शेयर करना होता है, अपने पास ही नहीं रखना होता है। तो आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये सभी लोगों तक पहुँचे और सभी को इस वीडियो का लाभ हो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करती रहती हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।